नमस्कार जनरूपा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जीएसटी कलेक्शन पर असर पड़ा है। 5 घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि या तो केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। इस विकल्प पर राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे। इसके बाद एक संक्षिप्त बैठक होगी जिसमें मुआवजे पर फैसला लिया जाएगा। संसदीय समितियों की बैठक की चर्चाओं की जानकारी लीक होने को लेकर एम वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताई है। इसको लेकर नायडू ने संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि संसद में पेश होने से पूर्व ही जानकारी मीडिया में लीक होना गलत है। देश में कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत दिए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे दर में कटौती हो या फिर अन्य नीतिगत कदम में, अभी हमारे तर्कस के तीर खत्म नहीं हुए हैं। मुहर्रम पर जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वो ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। चीफ जस्टिस बोले, अगर हम मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता फैल जाएगी जिसमें एक समुदाय को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिल्ली बवाल के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद के रूप में नगर निगम सदस्यता खत्म कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर सदस्यता खत्म करने पर निर्णय लिया गया है। ताहिर की सदस्यता खत्म करने के लिए निगम की बैठकों में भाग न लेने को आधार बनाया गया है। सदस्यता खत्म करने की पूरी प्रक्रिया में दिल्ली बवाल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने का बड़ा ऐलान किया है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर देश भर में मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता बर्थडे पर मास्क वितरित करेंगे। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्र के सेवानिवृत्त कर्मियों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। मंत्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डिजी लॉकर योजना शुरू करने जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर यदि खो जाता है तो उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं होगी। इस पीपीओ को सुरक्षित तरीके से डिजी लॉकर में रखा जाएगा। इस योजना से करीब 65 लाख पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा अटल रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गया है। ये टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस टनल का उद्घाटन सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस टनल के शुरू होने पर मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले से चर्चा में आए रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने मीडिया पर बड़ा आरोप लगाया है। इंद्रजीत ने मुंबई के सांता क्रूज थाने में शिकायत की है कि वो अपने बेटे सौभिक को गेस्ट हाउस छोड़कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मीडिया ने उनका पीछा कर परेशान किया। उन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। किराए पर रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने आदर्श किराया कानून को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इसे संसद के मानसून सत्र में पारित भी कराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आदर्श किराया कानून में मकान मालिक अपनी मर्जी से वक्त बेवक्त किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इसमें तय समय पर निर्धारित किराया बढ़ाना और मकान खाली कराना शामिल होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और कांग्रेस के नेता सदन कमलनाथ के बीच मुलाकात हुई। शिवराज और कमलनाथ के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबी चर्चा चली। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार सत्र में कई विधेयक पेश करने जा रही है। इनके मसौदों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा की गई है ताकि मानसून सत्र को हंगामेदार रहने से बचाया जा सके। राजस्थान में गहलोत और पायलट की सियासी उठापटक में बोल्ड हुए अविनाश पांडे ने कांग्रेस में फिर से जोरदार वापसी की है। बिहार चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का अविनाश पांडे को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कमेटी प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करेगी। आपको बता दें कि पायलट की बगावत वाली शर्तों में राजस्थान प्रभारी अविनाश को हटाने की मांग की गई थी जिसके बाद इन्हें प्रभारी के पद से हटा दिया गया था। चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए भारत सरकार इजराइल से अबाक्स नाम की तकनीक खरीदने जा रही है। इसको लेकर दोनों देश
देशों के बीच बैठकें शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल से खरीदी जाने वाली अवाक्स तकनीक लंबी दूरी पर उड़ने वाली हर वस्तु पहचानने और चिन्हित करने की क्षमता रखती है। इसे पड़ोसी देशों के ड्रोन पर नजर रखना बेहद आसान हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी में जितेंद्र प्रसाद का नाम शामिल होने पर पार्टी में उनका विरोध शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ लखीमपुर खीरी के जिला पार्टी मुख्यालय में जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि ये समय अपने नेताओं को निशाना बनाने का नहीं है, सभी कांग्रेसियों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ काम करना चाहिए। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए चेतावनी देते हुए गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए शॉर्ट्स फैशन में फटी हुई जींस टी शर्ट और चप्पल पहनना ऑफिस कोड नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को इसे पहनकर दफ्तर आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऑफिस की जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों कैटेगरी के आरक्षण में सब कैटेगरी जरूरत पड़ने पर बनाई जा सकती है, ये काम करने का अधिकार सरकारों के पास होगा। आपको बता दें कि पंजाब हाई कोर्ट ने 2014 में फैसला सुनाया था कि आरक्षण की कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस का आविष्कार किया है। ये डिवाइस 6 फीट पार करने पर आपको अलर्ट जारी कर देगा। नेहा ने डिवाइस गर्ल्स फिथ इंपैक्ट नाम से एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण संस्थान की मदद से बनाया है। इस डिवाइस को खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाया गया है। पुलवामा हमले में जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए की जांच में पुलवामा मामले में शामिल इकलौती महिला की भूमिका सामने आई है, जिसमें पता चला है कि गिरफ्तार की गई अकेली महिला इंसा जान इस हमले के मास्टरमाइंड फारूक की करीबी थी। उसने हर संभव तरीके से अपने साथियों की मदद की थी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैंने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वो कोरोना को गंभीरता से लेते हुए अपना टेस्ट करवा लें। नीट और जेईई परीक्षा पर चल रहे विरोध और समर्थन के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया है। सीएम पटनायक ने बताया कि राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में है, इसे देखते हुए परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर भी जेईई नीट की परीक्षा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा की बजाय दूसरे विकल्प तलाश कर दाखिला देने से आईआईटी और मेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता और पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से दुनिया भर में जेईई और नीट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने जेईई और नीट परीक्षा कराने की तैयारी पर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों की संख्या जेईई और नीट के परीक्षार्थियों से ज्यादा थी, जिसे सरकार ने सफलतापूर्वक आयोजित करा लिया था, इसलिए वो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस के तहत करा सकते हैं। जेईई और नीट परीक्षा पर मचे सियासी घमासान में सुपर 30 फेम आनंद कुमार भी कूद गए हैं। आनंद ने कहा कि सरकार ने जो परीक्षा कराने का फैसला लिया है वो बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है, लेकिन परीक्षा कराने का समय सितंबर का पहला सप्ताह बिल्कुल उचित नहीं है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को मास्क और ग्लव्स पहनने पर असुविधा होगी, इससे वो अपना 100% नहीं दे सकेंगे। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। पूर्व राष्ट्रपति अभी भी गहरे कोमा में हैं और जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे गए हैं। फेफड़ों के संक्रमण और गुर्दे की शिथिलता के लिए पूर्व राष्ट्रपति का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उनके अहम और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। दिल्ली एम्स में पिछले दिनों भर्ती कराए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक शाह का स्वास्थ्य अब पहले से ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री के स्वास्थ्य में अगर इसी गति से सुधार होता रहा तो उन्हें अस्पताल से जल्द छुट्टी मिल सकती है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें 17 अगस्त की रात को एम्स में भर्ती कराया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेड न्यूज से ज्यादा फेक न्यूज खबरों को खतरनाक बताया है। जावड़ेकर ने कहा कि फर्जी खबरों में शांति भंग करने की प्रबल ताकत होती है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों से आज दुनिया भर के सभी देश प्रभावित हैं और बहुत से देश इससे निपटने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने फर्जी खबरों की पहचान करने और उसके बारे में जनता को अवगत कराने के लिए अलग से एक इकाई का गठन किया है। देश
इसमें कोरोना संकट के बीच राजस्थान में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत के साथ कोरोना को लेकर हुई बैठक के बाद राज्य में 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खोलने का फैसला लिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिले के कलेक्ट्रेट और SP सभी बड़े धार्मिक स्थलों का दौरा कर इंतजाम का जायजा लेंगे। बाबा रामदेव की पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने पतंजलि के खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी को पहले हाई कोर्ट में अपनी दलील साबित करने का निर्देश दिया है। 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो चलने की संभावना है। अनलॉक 4 में मेट्रो के सिर्फ 38% गेट ही यात्रियों का प्रवेश और निकलने की सुविधा होगी। सभी एंट्री गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के 671 गेट हैं, जिनमें से सिर्फ 257 ही खुलेंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के कर्मियों और यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड के अपडेशन की फीस में इजाफा करने की घोषणा की है। प्राधिकरण ने कहा कि अब आधार कार्ड को जितनी बार अपडेट कराया जाएगा उतनी बार ₹100 की फीस देनी होगी। आपको बताते चलें कि अब तक आधार कार्ड के अपडेट कराने पर सिर्फ ₹50 की फीस लगती थी, जिसे बढ़ाकर ₹100 कर दिया गया है। चीनी राजदूत हो यांगकी की बढ़ती दखल से परेशान नेपाल सरकार ने नया कानून बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल में राजदूतों पर मसौदा कानून में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए नेपाल सरकार कानून में ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिनके तहत दूसरे देशों के राजदूत की दखल खत्म होगी। अब उनको सिर्फ इतना अधिकार रहेगा कि वो द्विपक्षीय मुद्दों पर सरकार से वार्ता कर सकें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन निर्माण के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन होगा। ये भवन राज्य की राजधानी नवा रायपुर में बनेगा। इस भवन को 51 एकड़ भूमि पर 270 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुरु रामदेव ने पतंजलि के कारोबार को हॉर्लिक्स से आगे निकलने का दावा किया है। रामदेव ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में पतंजलि ने 442 करोड़ की कमाई की है, जबकि हॉर्लिक्स सिर्फ 207 करोड़ का कारोबार कर पाई है। योग गुरु ने कहा कि पतंजलि का मिल्क बिस्किट और मिल्क के साथ खाए जाने वाले दूसरे उत्पादों में बिक्री में इजाफा हुआ है, इसी के चलते पतंजलि दूसरों को पीछे छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक संतराम नेताम ने मनपसंद शराब के ब्रांड ना मिलने पर सरकार से सवाल किया है। विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र बस्तर में शराब के वो ब्रांड नहीं मिल रहे हैं जो स्थानीय लोग पीना पसंद करते हैं, इसलिए लोगों को मजबूरन दूसरे ब्रांड की शराब पीनी पड़ती है। वहीं आबकारी मंत्री ने कहा है कि विधायक जी, जनता की मांग के मुताबिक शराब के ब्रांड की आपूर्ति कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि माल्या ने भारत में स्टेट बैंक सहित कई बैंकों में अमेरिकी डॉलर मंगवाया था, जिसके बाद माल्या ने पैसों को अपने बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था। उस दौरान बैंक के नियमों की अनदेखी की गई थी। लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने का रिकॉर्ड सबसे कम उम्र की लेखिका के नाम दर्ज हो गया है। नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मारिके लुकास को इस वर्ष का बुकर अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। इस वर्ष का बुकर अवार्ड द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम की पुस्तक के खाते में गया है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसको लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मिसाइल को अमेरिकी बलों पर हमले के लिए विकसित किया गया हो सकता है। हालांकि अमेरिका की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल वर्ष की परीक्षा देने के लिए छात्रों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। डीयू ने कहा है कि 14 सितंबर से भौतिक रूप से होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को आंसर शीट घर से लानी होगी। ऑफलाइन परीक्षा में छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया जाएगा। वहीं ऑनलाइन परीक्षा के लिए छात्रों को मोबाइल और लैपटॉप लाने की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती के इस कदम से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। BSP ने जिन 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें जौरा, मुरैना, अम्बाह, मेहगांव, गोहद, डबरा, पोहरी और करेरा विधानसभा सीट शामिल है। सासाराम अनुमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय पर 40 से अधिक बच्चों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों ने बताया कि अमरी गांव में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पीड़ितों की बिना बात सुने ही पुलिस ने इन सबको भगा दिया।
बिहार के रोहतास में आकाशीय बिजली की चपेट में तीन बच्चियों सहित चार लोग आ गए हैं। चारों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन बच्चियों को अब आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही तीनों में कई तरह की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बांदा में कांग्रेसियों ने यूरिया खाद की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित की अगुवाई में दर्जनों कांग्रेसियों और किसानों ने यूरिया और डीएपी न मिलने की शिकायत की है। राजेश दीक्षित ने बताया कि सहकारी समितियों में यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही है, जिससे फसल उत्पादन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल खराब हो रही है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में कई पदों का चुनाव होना है। इसी क्रम में शाखा भोगांव अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ है। प्रत्याशियों ने तहसीलदार पर धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री तोताराम यादव ने कहा कि तहसीलदार एक नामांकन स्वीकार कर गायब हो गए हैं, जबकि अन्य उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार नहीं किए गए हैं। इसके खिलाफ अन्य उम्मीदवार तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। रामपुर के आइसोलेशन सेंटर में आई शिकायत के बाद डीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित था। जिलाधिकारी के आदेश के बाद डॉक्टर के खिलाफ महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। कन्नौज के गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के बनियानी गांव में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां 36 वर्षीय महिला और विकलांग प्रेमी के बाल मुड़वाकर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद प्रेमी उगल थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉकी इंडिया खेल महासंघ और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आजीवन अध्यक्ष, आजीवन सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों को सृजित किया गया है। ये खेल संहिता के नियमों का उल्लंघन करता है। नियमों के तहत तीनों पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट पूर्व खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पिता बनने वाले हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। विराट ने कहा कि हम जनवरी 2021 में 2 से 3 हो जाएंगे। आपको बता दें कि विराट और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 में इटली में हुई थी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार से 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद अब इंग्लैंड की नजर फटाफट क्रिकेट पर है। 15 महीने बाद दोनों टीमों के बीच T20 मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के पास 4 साल बाद इंग्लैंड को उसी के धरती पर T20 सीरीज में हराने का मौका है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने धोनी और कोहली की कप्तानी की तुलना की है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर शांत रहने वाला और विराट कोहली को अग्रेसिव कप्तान बताया है। इरफान पठान ने कहा है कि सफल होने के लिए किसी कप्तान में दोनों खूबियां होना अत्यंत आवश्यक है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। 2006 में डेब्यू करने वाले ड्वेन ब्रावो इस फॉर्मेट में 21 टीमों के लिए खेल चुके हैं। इस मैच से पहले उनके नाम 458 मैचों में 499 विकेट थे। 295 मैचों में 390 विकेट के साथ मलिंगा दूसरे नंबर पर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।